हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव। अपनी वर्ड की आज जो सीरीज चल रही है उसका एक तरह से मान लीजिए एंड ही हो रहा है। मेल मर्ज सबसे लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये बताएंगे मेल मर्ज होता क्या है। पहले जानते हैं हम, एक ही लेटर को अगर एक से ज़्यादा लोगों के पास हम भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज का। मेल मर्ज के द्वारा हम एक लेटर को 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को भेजना चाहते हैं। लेटर में एड्रेस अलग अलग कर सकते हैं हम। जो लेटर होगा वो सेम ही रहेगा, उसके एड्रेस, नेम नेम होंगे, या फिर सेल उसका फादर्स नेम होता है, टाइटल होता है, या उसका मोबाइल नंबर होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आज हम मेलिंग के बारे में बता रहे हैं आपको। इसमें मेलिंग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट मेल मर्ज, तो यहाँ से हम मेल मर्ज के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, एक से ज़्यादा लोगों को हम लेटर भेज सकते हैं, तो पहले एक लेटर तैयार कर लेते हैं। लेटर के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू रेंट फार्मूला यूज़ करते हैं और ब्रैकेट में दबा के बस तीन पैराग्राफ बहुत है हमारे लिए। अब ये तीन पैराग्राफ बन गए, ऊपर मैंने जगह छोड़ दी जहाँ पर कि मैं मेलिंग एड्रेस लिखूँगा। इसको लिखने के लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, एक तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, या डायरेक्ट लेटर बनाने के लिए, या हम चाहे तो टाइप न्यू लिस्ट से भी बना सकते हैं। मगर हम शुरू से चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। या पहले मैं आपको टाइप न्यू लिस्ट से बता देता हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। टाइप न्यू लिस्ट पे आप क्लिक करिए, यहां पर डायरेक्ट एक लिस्ट बन के आ जाती है। अगर आपको नया मेल मर्ज बनाना है तो उसके लिए आपको एक नया बनाने के लिए टाइप न्यू लिस्ट से सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब यहीं से स्टार्ट करें। आपको यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक टेबल बनी हुई है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसमें से जो जो आपको लेने हैं, कस्टमाइज कॉलम करिए, जो जो इसमें से रखने हैं आपको ऑप्शन, वो आप रख लीजिए ऊपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि टाइटल मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी मेरे को ईमेल डिलीट करना है, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर देखिए डिलीट, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ, डिलीट में डी के नीचे छोटी सी लाइन खींची हुई है, तो हम ऑल्ट डी करके भी इसे कर सकते हैं। और यह वाई के नीचे एक छोटी सी लाइन है, तो ये भी शॉर्टकट है। ये शुरू की वीडियो में मैं सब बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ स्टार्टिंग से फर्स्ट और सेकेंड वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए मैंने काफ़ी सारे ये जो मुझे नहीं रखने उन्हें मैंने डिलीट कर दिया। सिटी मुझे वैसे रखना है, एड्रेस मुझे डिलीट करना है, मैं ऑल्ट डी ऑल्ट वाई करके इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। कंपनी नेम मुझे नहीं रखना, लास्ट नेम भी नहीं रखना। अब मुझे यहाँ पर एक टॉपिक और लेना है, फादर्स नेम का। ऐड मैंने करा फादर्स नेम, ओके किया। देखो फादर्स नेम का ऑप्शन आ गया, एड्रेस आ गया, सिटी आ गई। अब एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन और मैं नीचे लेना चाहता हूँ, ऐड मोबाइल नंबर। ऐड मोबाइल नंबर कर दिया मैंने, तो एड्रेस, सिटी, ये पांच ऑप्शन मैंने ले लिए। मान लीजिए अच्छा, इससे हम मूव अप करेंगे तो ऊपर ले जा सकते हैं, मूव डाउन करके इसे हम नीचे भी ला सकते हैं। ऐसे रीनेम करके हम किसी भी ऑप्शन को बदल सकते हैं। जैसे मैं इसे पूरा लिख दूं तो मोबाइल हम पूरा भी ले सकते हैं, ओके कर दिया। ये पांच ऑप्शन आ गए। मैंने यहाँ पर कोई भी नेम डाल दिया, यहाँ कोई फादर्स का नेम डाल दिया, यहाँ कोई भी एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे एक सिटी डाल दी। सिटी का नाम मैं लिख ले रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे रिकॉर्ड बदल रहे हैं। अगर मैं सारे ऐसे ही लिख दूंगा तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और, जब मैं इसमें नाम डालता हूँ तो दूसरी ऑप्शन में आने के लिए मैं एरो की का यूज़ नहीं करूँगा, और मैं एरो की के यूज़ से टेबल की तरह यहाँ पर दूसरे कॉलम में या सेल में नहीं जा सकता हूँ। मेरे को क्या करना है, टैब का यूज़ करना है। टैब दबाएंगे दूसरे सेल में, फिर टैब दबाएंगे तीसरे सेल में, अब फिर टैब दबाया और मैंने लिख दिया मथुरा, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे दिया मैंने। फिर मैंने टैब दबाया तो अपने आप मेरे पास नई एक और ऑप्शन खुल के आ गया। मथुरा के बाद मैंने दिल्ली दे दिया, चार रिकॉर्ड मैं ले लेता हूँ इसमें। ये मैंने चार रिकॉर्ड्स ले लिए।
लेने के बाद, अच्छा देखिए मैं अब न्यू एंट्री करता हूँ तो नई एंट्री पे आ जाते हैं जो मैं टैब से कर रहा था ऑलरेडी। डिलीट एंट्री से मैं एंट्री को डिलीट भी कर सकता हूँ। कस्टमाइज कॉलम से आपको मालूम ही है मैं एंट्रियों के अंदर चला गया था, और फाइंड से किसी को भी ढूंढ सकता हूँ। कौन सी एंट्री मुझे ढूंढनी है उसी एंट्री पे कर्सर पहुंच जाएगा। जैसे मुझे आगरा वाली एंट्री ढूंढनी है, आगरा पे तो है ही कर्सर, कानपुर पे जाना है तो मैं कानपुर पर पहुंच जाऊंगा। क्लियर? तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू एंट्री भी देख लीजिए करके। देखिए न्यू एंट्री में यहाँ से भी कर सकता था, नई एंट्री आ जाएगी, पांच हो जाएंगी, कोई बात नहीं है। मान ली मैंने कि ले लिया झांसी, क्लियर? ऐसे डिलीट एंट्री करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं इसमें से। ओके करते हैं पहले, मैं बाद में दिखा दूंगा इन्हें। ओके किया, अब आपके पास ये ऑप्शन अभी भी ऐसे ही खुला हुआ है। हमें क्या करना है, ओके करने का, सेव करने को पूछ रहा है, कहाँ सेव करना चाहते हो? मैं डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ, मेल नाम डाल देता हूँ उसका, मेल, मेल नाम से मैं ऐसे डी ड्राइव में सेव कर दे रहा हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करते ही आपने देखा होगा ये ऑप्शन खुल के आ गए, ये नए ऑप्शन। अभी सारे हाईलाइट नहीं थे, डिसेबल थे, अभी सारे के सारे इनेबल हो गए हैं। इनेबल मतलब खुल गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू में हम इंसर्ट फील्ड पर जाएंगे। इस फील्ड में जैसे मुझे फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पर ऊपर, तो मैंने फर्स्ट नेम ले लिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ बीच में हो सन ऑफ मिस्टर, और अब फादर्स नेम आ जाए। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसे, ये मैंने फादर्स नेम ले लिया। अब मैंने एंटर मारा, मुझे नीचे का लेना है, एड्रेस लेना है, तो इसी में जाके मैं एड्रेस वाले पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा स्पेस छोड़ के इसके आगे मुझे सिटी लेना है, चाहे तो मोबाइल नंबर भी यहीं खोल सकते हैं आप, बाद में सेट कर लीजिए। अभी मैं मोबाइल नंबर इसके नीचे ले जा रहा हूँ। तीन रिकॉर्ड मैंने ले लिए, यहाँ मैंने लिख दिया SIR सर, और नीचे मेरा लेटर चालू है। अभी ये जो रिकॉर्ड है मेरे को फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, मैं उसका रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे को रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। ये रिजल्ट आगरा वाला है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सेकेंड देखिए ये मथुरा वाला आ गया, तीसरा देखिए दिल्ली वाला आ गया, और ये देखिए कानपुर का रिकॉर्ड आ गया, पांचवा भी था, पांचवा झांसी का रिकॉर्ड भी आ गया। हमने पांच रिकॉर्ड यहाँ पे किए थे। अभी मैं इन रिकॉर्डों को अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा एडिट रिसिप्ट लिस्ट पे, और इस पर मेल नाम था मेरी फाइल का, MDB से सेव होती है यहाँ पर, इसका एक्सटेंशन .MDB होता है, .MDB करेंगे और हम इसको ओके कर देंगे, एडिट कर देंगे। जैसे हम एडिट करेंगे इसे, ओके नहीं करना है, मैं एडिट ही करके आगे आना है, क्योंकि एडिट मतलब चेंज करना है हमें। अब हम नया एंट्री लेना चाहते हैं, या तो यहाँ से न्यू एंट्री ले लें या टैब दबा सकते थे आप। तो न्यू एंट्री लेके मैं एक रिकॉर्ड और बढ़ा देता हूँ इसके अंदर, लखनऊ का। ये मैंने लखनऊ का एक रिकॉर्ड और बढ़ा दिया अपना। अब मेरे रिकॉर्ड 6 हो गए हैं। ओके किया, यस किया, हाँ मुझे अपडेट करना है, और फिर मैंने ओके कर दिया। ओके करा तो जो रिकॉर्ड मैंने किया था वो उसके अंदर आ गया। कैसे मालूम पड़ेगा, इसके लास्ट रिकॉर्ड देख लो, देखो लखनऊ का रिकॉर्ड आ रहा है, फर्स्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो आगरा का रिकॉर्ड आ रहा है, बीच के रिकॉर्ड देखते हैं तो ये आगे करने के लिए, और ये ऑप्शन पीछे करने के लिए ऑप्शन है। तो हमने एडिट भी करना सीख लिया, आगे पीछे भी करना सीख लिया। अगर हमें कोई रिकॉर्ड ढूंढना है तो जैसे फाइंड दिया था, फाइंड डाल दीजिए, मेरे को झांसी का रिकॉर्ड ढूंढना है तो मैंने झांसी लिखा। अगर हम दिस फील्ड दे दें वैसे भी रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन अगर दिस फील्ड दे दें तो और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 रिकॉर्ड रखे हैं, वहाँ 600 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। तो रिकॉर्ड को जल्दी ढूंढने के लिए आप उसका ये भी डाल दें, झांसी है क्या, सिटी है या नाम है या फादर्स नेम है क्या है, तो वो हम डाल देंगे। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने झांसी वाला रिकॉर्ड होगा। अगर आप ऑल फील्ड करते हैं, मान लीजिए अभी मेरे को आगरा का रिकॉर्ड ही देखना है, तो मैं फाइंड करूंगा तो आगरा का रिकॉर्ड भी मेरे सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। ये लास्ट ऑप्शन है आपका। जैसे हम फिनिश करना चाहते हैं, मुझे पहले प्रिंट देखना है, मैं प्रिंट कैसे निकाल सकता हूं। अगर मैं प्रिंट पर जाऊंगा, ऑल करूंगा, तो सारे के सारे 6 के 6 रिकॉर्ड मेरे प्रिंट होके आ जाएंगे।
अगर मैं करंट रिकॉर्ड करूंगा तो सिर्फ ये आगरे वाला आएगा जिसके जिसका मेरा कर्सर रखा हुआ है, जहां कर्सर रखा हुआ है सिर्फ वही रिकॉर्ड का प्रिंट निकल के आएगा। फ्रॉम करूंगा तो मैं दे सकता हूं, मैं देना चाहता हूं तीसरा चौथा पांचवा का प्रिंट आ जाए तो तीसरे चौथे पांचवे का प्रिंट आ जाएगा। तीन से पांच तक मतलब तीसरे का चौथे का और पांचवे का प्रिंट निकल के आ जाएगा। ओके करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा, प्रिंटर लोड होना चाहिए। लेकिन अभी यही काम मैं नीचे वाले में करूंगा, एडिट इंडिविजुअल रिकॉर्ड, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। तो अगर मैं फ्रॉम करूं तो वही तीन रिकॉर्ड रहेंगे, बाकी सारे चले जाएंगे। करंट करूं तो ये रहेगा, बाकी सारे चले जाएंगे। ऑल करूंगा तो सारे रिकॉर्ड लिख के आ जाएंगे। तो मैं ऑल कर देता हूं। एक चीज़ मैं और बता दूं ऑल करने से पहले, फिर रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। देखो इससे मैं जब भी चाहूँगा पुराने रिकॉर्ड पर पहुँच सकता हूँ प्रीव्यू रिजल्ट से। अभी हम जाते हैं एडिट इंडिविजुअल पे, ऑल रिकॉर्ड करके ओके कर देते हैं। ओके करते ही हमारे 6 के 6 पेज ये तैयार हैं। ये पहला पेज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आप अगर यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे तो देखिए 1, अभी हम चौथे पेज पर हैं और टोटल 6 रिकॉर्ड है हमारे, 6 पेज खुले हुए हैं। तो मतलब 6 पेज अलग अलग हमारे लिख के आ गए हैं, जिसमें कि ऊपर का रिकॉर्ड हमारा अलग है, बाकी सारा रिकॉर्ड सेम है। बस ये ऊपर का रिकॉर्ड अलग है, बाकी नीचे का लेटर जो है वो सेम है। तो इस प्रकार से हम मेल मर्ज के द्वारा एक लेटर को एक एक साथ कई लेटर तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए हमें ज़्यादा पेज घेरने की जरूरत नहीं है। एक ही पेज में एक ही लेटर पर हम जो एड्रेस वगैरह है वो 200, 400, 500 भी लगा सकते हैं। जितने लोग आते जाएं उतनों का एड्रेस आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं एडिट करके। इसके अलावा जो इसका सही तरीका होता है स्टार्टिंग से, वो यहाँ से होता है। स्टार्ट करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें क्या बनाना है, हमें लेटर बनाना है, ईमेल, मैसेज, एनवलप, लेबल, डायरेक्टरी सब चीज़ें बन सकती हैं। मैंने सिर्फ लेटर के बारे में बताया आपको। तो हमने स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद देखिए यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट मतलब करंट डॉक्यूमेंट पर बनाना है। मैंने कहा यस। देखिए स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आप पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट पर बनाना चाहते हैं तो भी आप उसे ले सकते हैं। मैं इसी पर बनाना चाहता हूँ तो मैंने ये भी दे दिया, नेक्स्ट। अभी आप ब्राउज करके पहले से बना हुआ खोलना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग लिस्ट लीजिए, नया बनाना चाहते हो टाइप न्यू लिस्ट, और फिर आप क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी जहाँ से मैंने टाइप न्यू लिस्ट से स्टार्ट किया था, और मैंने डायरेक्ट आपका यहीं से स्टार्ट करा दिया था टाइप न्यू लिस्ट, जिससे आपको ये और थोड़ा सा आसान पड़ेगा। कहीं भी स्टेप आप भूल जाएं, इसमें स्टेप की बहुत ध्यान रखना है, कहीं आप कोई स्टेप भूल जाएं तो इस वीडियो को बैक करके ज़रूर देख लें, आपको सारे स्टेप आ जाएंगे और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उससे मुझे अच्छा लगता है कि भाई 10 लाइक आए, 20 लाइक आए, 200 लाइक आए, जो भी लाइक्स आते हैं उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और दूसरी वीडियो बनाने का मन करता है। और ध्यान रखिए कल से अब एक्सेल की वीडियो चालू हो रही है मंडे से, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पहली वीडियो से देखिएगा जिससे कि आप एक्सेल को अच्छे से सीख पाएँ। नाइस मीटिंग यू गाइस।